यमुना की बात कर रहे थे, यमुना का पानी नहीं लेके आए, चाहे झुंझुनू हो, सीकर हो, चूरू हो, उन तीनों जिलों में भी इन लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा। ईआरसीपी की आज बजट के अंदर कहा गया है कि हमने 9000 कुछ करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी, तो वित्तीय स्वीकृति कब जारी हुई है उसका हमें बता दें, क्योंकि जो 9500 करोड़ रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति है वो हमारे समय की है, जिससे इसरदा और नवनेरा दोनों बांध बन के तैयार हुए, तो इन लोगों का तो उसमें तो कोई लेना देना है नहीं। जबरदस्ती हमारे समय की जो योजनाएं हैं, हमारे समय का जो पैसा दिया हुआ है, अपने समय का बता रहे हैं। एमओयू आज तक इन लोगों ने सार्वजनिक नहीं किया। पिछली बार यहां पे 3900 एमसीएम पानी मिलना था, लेकिन इनके एमओयू के मुताबिक 2500 एमसीएम पानी मिलेगा। तब आप उद्योगों को कहां से पानी देंगे, किसान को कहां से पानी देंगे? इतने पानी के अंदर तो आपकी पेयजल की पूर्ति नहीं हो रही। बिजली के लिए बड़े बड़े दावे किए गए हैं, 2031-32 तक का रोड मैप बताया गया है, तो बिजली आज के समय में कितनी आ रही है? अब तो ट्रिपल इंजन की भी सरकार होगी इनकी, छत्तीसगढ़ से जहां से कोयला आ रहा है, और राजस्थान हो गया, केंद्र सरकार होगी। आज गांवों के अंदर हालात क्या है, इंडस्ट्री को ये लोग बिजली नहीं दे पा रहे, किसान को ये बिजली नहीं दे पा रहे, आम पब्लिक को ये बिजली नहीं दे पा रहे, और बात कर रहे हैं 31-32 की। बजट का जो विजन रखा है 2047 का रखा है, 2047 में जो होगा वो तो 2047 में देखेंगे, लेकिन आज क्या हालात हैं? आपने 6 महीने पहले बजट रखा, उसका क्या हुआ? और आज जो बजट आप रख रहे हैं, आज वापस आपने 1 लाख भर्तियों घोषणा कर दी, तो आपने 70,000 पहले की थी, 30,000 और आप मान लीजिए उसको बढ़ा के कह रहे हैं, आज 1 लाख भर्तियों का आप उसका रोड मैप बताते कि कब विज्ञप्ति निकलेगी, कब हम भर्तियां करेंगे, 4 लाख की घोषणा और कर दिए, 4 साल में 1-1 लाख कहां से करेंगे उसकी जरा बता दीजिए। अग्निवीर जैसी योजना इन लोगों ने लाके देश के युवाओं का भविष्य खराब किया है, क्या इसी प्रकार की कोई योजना यहां लाने का ये लोग विचार रख रहे हैं? ये बात मैं कहना चाहूंगा।